इसलिए भाई पिछोड़ी थोड़े दिन बाद मैं भी आ जाऊंगी पिछोड़ी में। यहाँ आके पता चला कि यहाँ दो ब्राइड है और दो दूल्हा है। हील तो देखो नींद आ रही है। अब मैं अपने नरम नरम फोटो से गरम गरम हलवा का स्वाद लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। एंड आज तो मेरी दोस्त का रिसेप्शन है गाइस, और आज मैं करने वाली हूँ उसका मेकअप। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फटाफट नहा धो के मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्ट फ्रेश होने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और धूप के मजे ले रही हूँ। बाप रे, इतना ठंडी लग रहा है ना, और पूरा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है अभी। और ये देखो हमारे घर से कितना प्यारा व्यू आता है। सिर्फ इधर ही नहीं, मैं आगे का भी व्यू दिखाती हूँ आपको। भाई सांस फूल गया मुझे, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भयंकर थक गई मैं तो। अरे मैं तो थक गई। ये देखो गाइस व्यू कितना सुंदर है हमारे घर से। शुको शुको इधर आ, सबको हाय कह दो। तो गाइज मैंने धूप में अपने बाल सुखा लिए हैं और अभी मैं करने वाली हूँ नाश्ता। तो मम्मी ने बनाया है ये करेला, मुझे बहुत पसंद है, और अंडा, और गरम गरम रोटी, और ये गरम पानी। मम्मी ने साग का गोटा भी दिया है। तो फटाफट करते हैं नाश्ता। फाइनली वैनिटी भी हो चुकी है रेडी और मैं जा रही हूँ तैयार होने, मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये हुड पहना है, हुड नहीं मतलब स्वेट शर्ट पहना है जो मैंने कल लिया था, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो ये देखो। और मैंने अपना कपड़ा पैक कर लिया है। मैंने ये तीन ज्वेलरी रखे है, अब इनमें से जो मुझे सूट करेगा मैं वही पहनूंगी। तो चलते हैं फटाफट, बहुत लेट हो चुका है तो निकल रही हूँ मैं। अब कार्तिक भी आने वाला है। तो गाइज मैं निकल गई हूँ, कार्तिक भी आ गया है, और ना मैं अपने घर से फूल लेकर जा रही हूँ क्योंकि आजकल ब्राइडल को यही लग रहा है फूल। तो गाइज गार्डन से मैंने ये फूल ले लिया है, इसको भी मैं यूज करूंगी आज अपने स्टाइलिंग में। बाय। तो गाइज हमारे साथ कार्तिक जी जुड़ चुके हैं। हेलो, कैसे हो? गाइज इनके हाथ में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इनका ना ये मिनी वाला उंगली होता है ना, ये फ्रैक्चर हो गया है, बट फिर भी ये डेडिकेशन के साथ मुझे छोड़ने जा रहे हैं। That's known as true love. Oh my God. गाइज जब भी लेट हो रहा होता ना ये जरूरी होता है, देख रहे हो कितनी लंबी ट्रैफिक है, और किस्मत ही खराब है, और मेरे साथ ही होता है बहुत लेट हो रहा है। गाइस 19 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और अभी 3:23 हो गया है। 3 बजे मुझे पहुंचना था, मैं इतनी लेट हो गई हूँ। रुचि का मैसेज आ रहा है, रुचि बहुत मारी है, मुझे ऐसा फील आ रहा है अंदर से, मैं गर्ड फीलिंग आ रही है, रुचि बहुत डांटेगी। तो हालांकि इतना लेट हुआ नहीं है क्योंकि 7 बजे का प्रोग्राम है, वैसे टाइम है, बट ब्राइडल को क्या होता है, कोई भी ब्राइड होती है ना उनको होता है कि यार लेट हो रहा है, जल्दी हो जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ। और ऊपर से रुचि के वहाँ की फैमिली ना जा चुकी है ना तैयार होने, तो रुचि अकेली है, तो वो सोच रही है कि यार सब चले गए और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। तो चिंता मत कर बहन, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो गाइस फाइनली इस सुपर हीरो ने रुचि के घर पहुँचा दिया। हाय रुचि। मैं ना सोच रही थी वो वाला घर है, लग भी नहीं रही शादी से, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रही। अरे, ये क्या हुआ? अरे इसका हाथ में नहीं, हाथ फ्रैक्चर हो गया। गाड़ी कैसे चला के लाए? ऐसे लेकर आ गया, मुझे लगा वो वाला घर है, और ये बोल रहा है नहीं ये वाला है। तो गाइज अभी रुचि का मैं कपड़ा दिखा देती हूँ। रुचि पहन रही है ये सुंदर सी साड़ी जो कि बहुत ही सुंदर है, और ऑब्वियसली भाई पिछोड़ी। तो रुचि भी अपने कैटेगरी में आ गई है। थोड़े दिन बाद मैं भी आ जाऊंगी पिछोड़ी में। और यहाँ पे रुचि अपने नंद का मेकअप कर रही है। तो गाइज आज मेरी तो उसकी रिसेप्शन है, कैसा लग रहा है तुमको हमसे मेकअप कराने के लिए? बहुत बढ़िया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीजर। तो गाइज ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है, बट हम नथ निकालना भूल गए थे, तो अभी नथ निकाल रही है रुचि, और ये नथ निकालने का सबसे बढ़िया स्टाइल है। दोनों अंदर से कैसे बनेगी रे? बन जाता है, देख लो गाइस टेक्निक है।
है के नथ निकाल लेंगे स्टाइल देख के। मेरे नेल्स हैं यार अंदर कैसे पानी की, मैं तो ये सोच रही हूँ भाई मैं 50 बार निकाल चुकी हूँ ऐसी करके। ये बधाई हो, निकल गया ना। हाँ ओ माय गॉड क्या पूछ कर रहे तुम इसको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद पता तभी करता है ऐसे लड़कों को पसंद ही नहीं आता। अभी ना पूरा मेकअप नहीं हुआ ना, अभी पूरा हेयर से लेके सब कुछ होगा ना तब भैया बोलेंगे अच्छा ठीक है। अभी भैया डर गए होंगे। तो गाइस हमारी दुल्हन रेडी हो चुकी है और बहुत सुंदर लग रही है और अब आंटी लगाने वाली है काला टीका ताकि नजर ना लगे। कैसी लग रही है आंटी आपकी बेटी? प्यारी सी बहुत सुंदर लग रही सच में। थैंक यू तूने ही बनाया मुझे सुंदर रुचि तो तैयार हो गई, अब रुचि मुझे तैयार कर रही तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं था यहाँ पे दो दुल्हन है, मतलब दोनों का एक साथ रिसेप्शन होने वाला है वो है। ये सेम सेम लग रहे हो तुम लोग, ट्विंस पहाड़ी के भी अच्छे लग रहे। थैंक यू। फाइनली मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ पे रिसेप्शन होना है। रुचि यहाँ पे हमारी सुंदर सी क्वीन कैसे लग रहे हैं अंकल जी रुचि गाइस मुझे लगा था थोड़ा गर्म होगा पर बाहर तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मैं आंटी लोग के साथ जा रही हूँ, रुचि पीछे से आ रही है दूसरी गाड़ी में, दोनों दूल्हा दुल्हन उसी में आएंगे, दो दुल्हन दो दूल्हे। चलो कितना ठंडा लग रहा है। गाइस अभी जस्ट हम लोकेशन में पहुंचे और बहुत ही ठंडा है, बहुत ज्यादा और बहुत प्यारा लोकेशन है ये देखो। और हमारी दुल्हन निकल रही है ये गाइस अभी यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, ये देखो दोनों दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं। तो मुझे डिटेल में पता नहीं थी बट यहाँ आके पता चला कि यहाँ दो ब्राइड है और दो दूल्हा है। तो गाइस हमारे साथ है रुचि के मम्मी डैडी और हम तीनों अपना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो वेडिंग पॉइंट कितना बड़ा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो स्टेज कितना सुंदर है, पहला कपल आ चुका है। तो अब रुचि की एंट्री हो चुकी है। गाइस इतनी ठंडी लग रही है, कॉफी भी सही समय पे आई है। अच्छा ये सूप है, तो दे दो। तो मुझे लगा कॉफी है पर ये सूप है। फाइनली कॉफी भी आ गया है, हीरो बन गया है। तो गाइस फाइनली कार्तिक आ गया है ये। यार जैकेट तो वही छूट गई, ठंडा लग रहा है क्या? ये दो उतार के? नहीं बहुत आ गया, टाइट हो रही थी तो। एक बात बोलूं, मेरा हील तो देखो गाइस मैंने नीचे बूट पहना, ठंडी लग रही थी। आते ही सूप पी रहा है, ठंडा हो रहा है इतना, बहुत ज्यादा ठंडा है यार, तबीयत भी खराब हो गया, मेरे जुकाम खांसी। तुमसे ज्यादा तो मेरा क्या होगा सोचो। अभी करता हूँ तुम्हारा इलाज। इतना भूख लग रहा था, इसने पूरा डिब्बा ही रखवा दिया। अब बताओ रुचि कैसी लग रही तुम दोनों? बहुत सुंदर, तुम लोग भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ अच्छे लग रहे हो। मेरे से होता नहीं है, मैंने आज पहली बार ट्राई करा है। नहीं अच्छा लग रहा, सुंदर। मैं धोकर आने वाली थी। नहीं अच्छा लग रहा। जा रहे
बकरा जवार जवार गाइस, हमारी रुचि जैसे ही फ्री हुई वैसे ही डीजे खत्म। कैसा लग रहा है? डांस नहीं हुआ। तो बहुत क्यूट लग रही है, सूट कर रहा है। कैसे लग रही रुचि? बहुत सुंदर लग रही ना। तैयारी भी तो किसने किया है? नहीं, सच में बहुत सुंदर लग रही है। लग रहा देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहे देखते रहे देखते रहे। मैंने अपना झुमका निकाल दिया क्योंकि मेरा ये कान बहुत पक रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ अपना वैनिटी वगैरह लेने क्योंकि रुचि के घर पे वैनिटी वगैरह है। तो अभी कार्तिक और मैं वहीं जा रहे हैं लेने, फिर यहाँ आएंगे, फिर खाना खाएंगे। फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं और सामान वगैरह लेंगे। रुचि भी आया हमारे पीछे पीछे। ये लो वैनिटी, दो वैनिटी, माइक बैग, गाइस मेरा जैकेट, थैंक यू। आप हमारे साथ जाओगे? वापस जाना है? नहीं, अच्छा यही रहना है, ठीक है चलो फिर। बेचारा कार्तिक हेल्प कर रहा है, उसकी हाथ में लगा है, फिर भी मैं कर दूं? नहीं। तो गाइस फाइनली सामान भी ले लिया है और मैंने अपना ये खदेरा पहन लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा ही ठंड है। ये खदेरा नाम कार्तिक ने रखा है, वैसे तो मैं इसे भुड़ू भुटुआ बोलती हूँ। और आज हमारे कार्तिक जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बस आज ही आज लग रहा हूँ। नहीं, आज ज्यादा लग रहे हो। सुंदर लग रहा है। यस। बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ गाइस। मैं तो पैक होके आ गई हूँ। तो गाइस मुझको तो नींद आ रही है। और यहाँ देखो फोटो शूट होता है। खाना खा लिया? आपने खा लिया? ना, चलो फिर खाना खाने। क्या हुआ? कोई भी, चलो ना फिर हम भी चलते हैं। खा के आता हूँ क्या? हम ना खाए गाइस। कार्तिक को इतने ये डोसा पसंद है कि इसने दूसरी टाइम है, दूसरी बार खा रहे? पहली टाइम खाया पर मैं तो पहली बार लेके गया था, मैंने दे दिया था। अच्छा, तो ये दोबारा खाने वाले हो? दूसरी बार भी आया था लेने, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे डोसा हो रहा है रेडी। अंकल जी डोसा वोसा खा लीजिए। ये कितना टेस्टी लग रहा है, खा लिया जाए फिर। यहाँ पे देखो खाना स्टार्ट कर दिया। कैसा है? अच्छा, हमको भी खिला दो। पनीर वाला डोसा मैंने पहली बार खाया, पनीर में खाते नहीं हो पर अच्छा है। तो गाइस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। ओ माय गॉड, गिन के चार ही प्लेट है, हम चार है और प्लेट भी चार है। लो उठाओ लो, एक वही तो यार। ये सैलेड सुलट उठा लेते ना। नहीं यार, सैलेड खाना भी नहीं होता, ठंडा होता है। तू ले ले यार सैलेड सुलट। यार ये सुंदर सा लग रहा है, ले लूँ क्या? पास्ता भी है। पास्ता खाओगी? हाँ यार, ठंडा हो गया यार। हाथ से खाना ही है इसको। ये सब्जी कितना वेस्ट होता होगा ना, सीधे घर में। खाता तो कोई नहीं है, हम भी नहीं आता। यार ये टेस्टी तो लग रहा है, ठंडा है क्या? ये पास्ता है। बहुत ठंडा है, का है? गरम गरम खाते हो? चल यार खाना ले लेते हैं चुपचाप। गाइस पूरा ठंडा हो रहा है वो तो। मुझे भी जीरा राइस थोड़ा सा। हाँ मतलब हम ही बर्बाद करने वाले हैं, बस हो गया वो भी। चलो यहाँ दाल डाल दो, दाल यस, ऊपर से बस ठीक है। बटर मसाला? नो आई डोंट लाइक पनीर। ये क्या है भैया? देखो गाइस यहाँ पे चिकन भी है, पर मैं चिकन खाना मैंने छोड़ दिया। ये है ना अपने मतलब की चीजें। डालो डालो चौमीन गाइस,
चौमीन नहीं चाउमीन चौमीन बस ना? थोड़ा सा और चावल कौन खाएगा? चावल तुम खाओ। ए, 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 अपने ओए ओए अपने मतलब की चीजें चौमीन। आ जाओ आ जाओ, घंटी वाली रोटी है तो। यो यहाँ पे क्या क्या है भैया? भिंडी दे दो, मुझे भिंडी पसंद है। तुमको क्या क्या है इसमें भैया? कटहल है, एक दे दो कटहल भी। गाइज देख रहे हो थाली मेरा। तो गाइज पहले मैं चौमिन खाने वाली हूँ, टेस्टिंग करके बताती हूँ कैसी है। चौमिन भी अच्छी है, मक्की की रोटी खा खाओ। अच्छी है, अच्छा है ना सब कुछ। चौमिन ठंडी हो रही है बस, पर टेस्ट आ रहा है, पर ठंडा ऐसा तो मैं वही खा लेती पास्ता। चलो गाइस खाना खाने के बाद मिलते हो। ओ भाई खाना खा के मजा आ गया, अब आ रहे हैं मीठा खाने। ये मैं तो ये हलवा खाऊंगी, मूंग दाल का। थैंक यू भैया। भैया इसका डंडा, थैंक यू मिल गया। मैंने तो ये ले लिया मूंग दाल का हलवा। मैं तो जलेबी, हलवा सिर्फ यही पसंद है और सिर्फ शादी वाला हलवा पसंद है, घर वाला नहीं। तुमने क्या लिया? गुलाब जामुन। सकल भी गुलाब जामुन जैसे खाओ भी गुलाब जामुन रहे हो। तो गाइज अब मैं अपने नरम नरम होठों से गरम गरम हलवा का स्वाद लेती हूँ। बढ़िया है, अच्छा है। तो अभी हम रुचि से मिल रहे हैं क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं। चलो बाय बाय बाय, ठीक है बाय जीजा जी। आपसे ही बोला जीजा जी, भैया बोल रही थी मैं बेचारी, इसको बहुत ठंड लग रहा है। चलो बाय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके ब्लॉग पता नहीं कब मिलेंगे हम, मेरी शादी में आ रहा है ठीक है, पक्का बुलाना। हाँ हाँ बुलाऊंगी। चलो ये तो हो गई, इसी के साथ आना, ये तो बिना बुलाया जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। ये देखो अमृत मुझे लेने आया है। बस तुझे ठंडी नहीं लग रही कि ऊपर ऊपर ठंडी लग रही? बस गाइज इस पे दिमाग ही नहीं है, यहीं पे खड़ा होना चाहिए था, इतना दूर आया। चलो बाय, थैंक यू सो मच, आराम से जाना ठीक है, धीरे धीरे जाना, बाय। चलो गाइज घर जाओ। चलो बाय बुबू, आराम से धीरे धीरे बाय, और अपने हाथ का ख्याल रखना, बाय। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, और मैंने चेंज भी कर लिया है, और रुचि ने मिठाई का डिब्बा भी दिया था, थैंक यू सो मच रुचि। मम्मी रुचि ने भेजा है, थैंक यू रुचि, शादी मुबारक हो, उन्हें मुझे मिठाई भेजा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज आज का दिन बहुत ही मस्त था, और आपको रुचि का लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमने बहुत बहुत मजे करे। आप लोग ने बहुत वेट किया रिसेप्शन के लिए, एंड फाइनली रिसेप्शन भी हो गया है। सो गाइज इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, एंड डू लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, चिके गुड नाइट, लव यू, बाय।